हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल एक बार फिर एक और खबर के साथ आपके साथ। 38 दिन एक लार्ज कैप कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी बन गई, 85% पैसा डूब गया इन्वेस्टर्स का केवल एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट होने से। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई कोई ऐसा निवेश का स्थान बताइए या स्टॉक मार्केट में गारंटीड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहली बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो एक बात आप गांठ बांध दीजिए, इस बाज़ार में आपको असीमित सफलताएं, असीमित क्षमताओं के साथ पैसा कमाने के असीमित अवसर मिलते हैं। और साथ ही ऐसे भी मौके आते हैं जब आपका पैसा रातों रात डूब जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ये डिसाइड करता है कि भाई इस स्टॉक में हमने इतने प्रॉफिट के लिए निवेश किया है, लेकिन अगर इतना लॉस हो जाता है तो हम निकल जाएंगे, चाहे हमें प्रॉफिट मिले या नहीं मिले। रूल्स हमेशा रूल्स होते हैं, रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है जो हमने जंप कर दिया, कोई वहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं था तो हम भाग गए। दिस इज़ द स्टॉक मार्केट, यहाँ पर अगर आप रूल्स ब्रेक करेंगे तो आप ये मत देखिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ आइज, इतने सारे ट्रेडर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली आप पर वॉच कर रहे हैं कि कहाँ आप एक गलती करें और वो आपका सारा पैसा हजम कर जाए। और ऐसा ही हुआ, 38 दिन एक लार्ज कैप कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी बन गई, 85% पैसा डूब गया। और ये कंपनी है इन्फीबीम। सितंबर 18 को ये स्टॉक 240 रुपये यानी 241 रुपये का हाई टच किया था, और आज की तारीख में इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 33.5 के आसपास है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा इन्फीबीम के बारे में बता देता हूँ। 2500 करोड़ की मार्केट कैप है और ये एक लार्ज कैप का स्टॉक हुआ करता था, लगभग 66 करोड़ 34 लाख इक्विटी शेयर्स के साथ ट्रेड कर रहा है मार्केट में। हाई था इसका 242.80 रुपये, जो कि तकरीबन 18 सितंबर को इसका हाई था, और फिलहाल अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने लोअर लेवल्स पर। और आज स्टॉक का जो प्राइस है वो हम आपको बता देते हैं, इन्फीबीम का जो आज का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली वो 34.05 रुपये का है। ओके, एक बात जरूर है, इन्फीबीम का मैनेजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप का मैसेज, सब कुछ हुआ, आई एग्री कि एक सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप मैसेज, उससे इतना बड़ा पैनिक जनरेट हो गया कि स्टॉक ने मात्र एक महीने के अंदर जो प्राइस था उसका 85% डिक्लाइन देखा। निवेशक बर्बाद हो गए, जाने कितने लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि लोन ले लेके पैसा लगाते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कभी भी लोन का अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना है। भले ही आपके पास 100 रुपये हों लगाने के लिए तो आप 100 लगाइए, लेकिन आपके अपने होने चाहिए। उधारी के पैसे अगर आप मार्केट में लगाएंगे तो आपको उधारी तो चुकानी ही चुकानी पड़ेगी, और नुकसान जो उठाना पड़ेगा वो अलग उठाना पड़ेगा, यानी कि आपको दोहरी तलवार की मार होगी। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी उधारी का पैसा नहीं लगाना है, अपना पैसा लगाइए, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10000 हो, चाहे 10 लाख हो, ये आप पर डिपेंड करता है। एक बात नोटिस की मैंने, और आपको भी मैं ये बात दिखाना चाहूँगा कि मार्च 18 में जो प्रमोटर्स थे उनका जो टोटल स्टेक था वो लगभग 45.78% का स्टेक था, जो कि इन्होंने मार्च के बाद जो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है सेकेंड जून का इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को 45.7% से घटाकर 36.8% कर दिया, 36.5% कर दिया, यानी कि लगभग 9.5% की होल्डिंग डिक्रीज कर दी है प्रमोटर्स ने, जो कि जून क्वार्टर के जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। सो ऐसा क्यों हुआ, क्या ये पहले से पता था? अभी हालांकि सितंबर क्वार्टर में कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, जो कि लगभग 38.22% के आसपास पहुंच चुका है इनका स्टेक, बट क्या क्यों गिरावट आई पहले से, ये अभी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं है। ठीक है, हालांकि इन्फीबीम कंप्लेंट कर रही है आईटी मिनिस्टर सेबी वगैरह में कि व्हाट्सएप मैसेज जो कि ट्रिगर्ड हुआ था, जिसकी वजह से सेल ऑफ हुआ है, तो वो अब कुछ इंक्वायरी के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, कंप्लेंट्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बट पैसा डूब चुका है। और एक और चीज़ है जो कि सामने आई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मोमेंट। इन्फीबीम saw 158% राइज इन द वॉल्यूम ऑन द BSE, सडनली 158% का वॉल्यूम राइज किया,
स्टॉक में फॉल आया, एक रिएक्टिंग स्टीप फॉल आया। हालांकि माना जा रहा था कि जो MACD चार्ट पैटर्न है, जो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, वो उसने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि डाइवर्जेंस बन रहा है और यहाँ से स्टॉक में एक डीप फॉल आने की गुंजाइश बन रही थी। इसका मतलब क्या था, कहीं ना कहीं जो बड़े निवेशक थे, जो ट्रेडर्स थे, वो ऑलरेडी ये माइंड सेट करके बैठे थे कि हम इसको पीक पर लेके जाएंगे 242 के प्राइस पे एंड वहाँ से एक बड़ा स्टीप फॉल हमें जहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक स्टीप फॉल आएगा। तो क्या वो लोग लोअर लेवल्स पर दोबारा से इंफीबीम को बाय करने के प्लानिंग में हैं, क्या है ये अभी कुछ नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है। इंफीबीम ये एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, आप सभी को अगर नहीं पता तो देख सकते हैं infibeam.com। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स को, मोबाइल, TVs, ये वो फलाने ढिकाने, जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो आप खरीद सकते हैं। और ये इसका ऑनलाइन बिजनेस है, स्पेशल बहुत तेज़ी से इसका ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो ओवरऑल बिजनेस तो ई कॉमर्स का बिजनेस की अगर बात करते हैं तो आने वाला टाइम ई कॉमर्स का बिजनेस है, बट लगभग 9500 करोड़ का मिड कैप इनका क्रैश हो गया इन अ सिंगल डे इन्फीबीम का। तो दोस्तों ये इन्फीबीम के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और आपका पैसा सेव रहेगा, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप अगर किसी ऐसे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं होता है, तब आप एक बार को मिस कर भी जाएं अगर स्टॉप लॉस, तो वो एक सर्किट लिमिट के अंदर रेंज में होता है कि लोअर सर्किट पे बंद हो गया, अपर सर्किट पे बंद हो गया, यानी नेक्स्ट डे आपको चांसेस मिलते हैं उससे निकलने के। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शेयर में निवेश कर रहे हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है, तो आप ये बात लिख के रख लीजिए कि उस स्टॉक का प्राइस इन अ सिंगल डे 1000 से जीरो भी हो सकता है, बिकॉज उसकी कोई भी रेंज बाउंड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस जब तक कि सेवी आगे बढ़ के उस स्टॉक की ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं करता मार्केट के अंदर। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है क्योंकि उसमें कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है, वो 1000 से 3000 भी हो सकता है और 1000 से जीरो भी हो सकता है इन सिंगल डे, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड होता है। यानी FNO का कोई भी स्टॉक विदाउट रेंज ऊपर या विदाउट रेंज नीचे की तरफ जा सकता है और यही हमने इन्फीबीम में देखा कंटिन्यूसली, यही हमने DHFL के अंदर देखा, इन अ सिंगल डे 67% फॉल, इन अ सिंगल डे 70% फॉल। तो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो आप जब भी इनिशिएट कीजिए FNO की कोई भी ट्रेड, तो याद रखिएगा आप स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक एग्जाम्पल दिया था इन्फीबीम का आपको, जिसने लोगों का 85% पैसा मात्र 38 दिन में डुबा दिया, एक लार्ज कैप से स्मॉल कैप कंपनी बन गई मात्र 38 दिन में, और अब निवेशक परेशान है कि क्या किया जाए। टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा एक बार चार्ट में दिखाऊंगा इसका, इन्फीबीम का। यहां से हम लोग एक बार इन्फीबीम के चार्ट की बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। इन्फीबीम, सो दिस इज द इन्फीबीम चार्ट, मंथली चार्ट है, अभी फिलहाल बियरिश मोड में है। और अगर मैं कहूँ इसका जो ऑल टाइम, ये अपने ऑल टाइम लो से नीचे जा चुका है, यानी कि जब इस IPO वगैरह आया होगा उस वक्त लगभग 45 रुपये के आसपास स्टॉक था मंथली क्लोजिंग पे, और अब ये स्टॉक 33.70 रुपये का। वीकली में बहुत ही बियरिश मोड है, मुझे लगता है ये स्टॉक 20 रुपीज़ तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में दोस्तों। सो ये इन्फीबी में सावधान रहें, जो लोग फिलहाल स्टिल होल्डिंग किए हुए हैं मैं उनको यही कहूँगा दोस्तों, देखिए आप उम्मीद रखना एक अच्छी बात है, हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए, बट फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है और चांसेस है स्टॉक के 20 रुपीज़ तक जाने के। तो अगर किसी की पोजीशन है तो आप लोग अभी भी इस स्टॉक से निकल के बाहर आ सकते हैं, या आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या प्लानर से डिस्कशन कर सकते हैं और वो जैसा भी सजेस्ट करते हैं आपको आप वैसा स्टेप ले सकते हैं इन्फीबीम के साथ। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और सहायक साबित हो सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए मनी टी चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।